Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. मंडी ब्लॉक टू और आज हम लोग पहुंचे हुए हैं जेडीसी मंडी। मतलब वैसे तो ये मंडी नहीं है, जेडीसी का मेन ऑफिस है, आप लोगों को पता ही होगा। सोराब गोड से पहले थोड़ा सा मैं इसकी जो लोकेशन है वो भी डिस्क्रिप्शन में पिन कर दूंगी या तो फिर लिख दूंगी। अब आप लोग ज़रा यहाँ पे खूबसूरत खूबसूरत जो कैमल्स हैं ज़रा आप उन्हें चेक करो। यहाँ पे वाइट कैमल था, दो कोहान वाला कैमल है जो कि अभी आप लोगों को नज़र भी आ रहा होगा। यार ये बड़ा ही कोई ज़बरदस्त किस्म का कैमल था, मतलब इसके साथ शूट करने में बड़ा मज़ा आ रहा था। उसके अलावा आप यहाँ पे देखो ऑस्ट्रेलियन बुल्स यहाँ पे मौजूद हैं। यार ये बहुत हसीन और बहुत बड़े भी थे, आप लोग ज़रूर विज़िट कीजिएगा। हो सकता है अभी आप लोगों को देख के आइडिया हो रहा हो कि ये कितने बड़े बड़े और कितने खूबसूरत खूबसूरत से हैं। माशाल्लाह यहाँ पे जो भी जानवर डोनेट किए हुए हैं जेडीसी को, तकरीबन जिस जिस पाकिस्तानी ने दिए हैं, बहुत ही माशाल्लाह प्यारे प्यारे। ये चांद बेल देखें ज़रा, अभी आप आगे इनकी तकरार भी देखिएगा, बड़ी प्यारी सी तकरार है। यहाँ पे दो चांद बेल खड़े हुए थे और दोनों आपस में बड़े मज़े से लड़ाइयाँ कर रहे थे। और ये आ गया है सिब्बी बेल। अच्छा यहाँ पे तीन सिब्बी बेल थे, एक फिबी वालों का है, वैसे मैंने पब्लिसिटी कर दी उनकी, कोई बात नहीं। अच्छा तो एक फिबी वालों का है, एक दो दांत का है और एक तीन के पता नहीं चार दांत का है। ये फिबी वाला जो रेड वाला बुल पीछे आप लोगों का, मतलब बेल जो पीछे आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, वो फिबी वालों का खुद का है। बाकी उन लोगों ने ये जेडीसी को दो बेल डोनेट किए हैं। अच्छा यार ये इतने बड़े बड़े माशाल्लाह सिब्बी बेल है। अच्छा लास्ट ईयर भी इनका जो सिब्बी बेल था वो बहुत बड़ा और बहुत ही खूबसूरत था, और ये जो फिबी वालों का जो बेल था इतना खूबसूरत माशाल्लाह। आधी से ज़्यादा आवाम इसको देख देख के पागल हो रही थी, क्योंकि एक तो वैसे ही आपको पता है लाल लाल कपड़े में गोरा सा बेल तो बनता तो है। ओह यार ये कितनी औसम है यार। अच्छा यहाँ पे फिर इन लोगों का एक साइड पूरा कवर मैंने कर लिया था और मैं वहाँ से बाहर निकल गई थी। अगर अब आप लोग यहाँ पे देखो तो यहाँ पे कोई मंडी वाला सीन बिल्कुल नहीं लग रहा है। यहाँ की वाइब्स देखो, ऐसा लग रहा है कोई मेला लगा हुआ हो, मेला कह लो या कोई ऐसा कह लो, मतलब मेला ही कह लो आप इसको। यहाँ पे खाने पीने का ऑलमोस्ट आपको अच्छा खासा सामान मिल रहा था। हाँ आपको बर्गर और पिज्ज़ा वगैरह तो नहीं मिलेगा, लेकिन यह है कि यहाँ पे पॉपकॉर्न, झटपट, गोला गंदा, तरबूज का शरबत, खट्टे आलू, डिफरेंट डिफरेंट आइसक्रीम। नाइस। आज डर नहीं लग रहा है? आज डर नहीं लग रहा? 20-30-40-50 चार्ज की दे, लेकिन चार्ज की रेट पिसाने वाली है। उम्मानी के बाल है। उम्मानी आप क्या खा रही हो? किलो पैसे वाला ओपन मजा आया। खानी अभी इसके बाद आइसक्रीम, हरी मिर्च डाल के नहीं खिलाओ मुझे। आइसक्रीम क्या?
भाई कुछ खाने पीने के बाद हल्का फुल्का हम लोग दोबारा दूसरी साइड को कवर करने के लिए अंदर एंटर हो गए थे। इस साइड पे पूरा केज बना हुआ है जहाँ पे छोटे बकरे हैं, बड़े बकरे हैं, उसके अलावा छोटी बड़ी गाय मिक्स यहाँ पे जानवर मौजूद है। ठीक है, आप रस चेक करो, मैं सिर्फ दिखा रही हूँ कि सिब्बी बेल के कितने दीवाने लोग हैं। उसके अलावा दूसरी साइड पर सिब्बी बेल के सामने वाली साइड जिसको मैं कवर करने आई थी, यहाँ पर भैंसें भी थी बहुत बड़ी बड़ी। उसके अलावा यहाँ पर अब मैं आपको दिखाने वाली हूँ सबसे ज़बरदस्त चीज, पांच टांगों वाला बछड़ा। अल्लाह की कुदरत चेक करें, इसकी तीनों टांगे इसके जिस्म के नीचे हैं, आप चेक कर सकते हो, और बाकी ये दो टांगे एक ही जगह से निकली हुई हैं। मैंने ज़िंदगी में पहली बार ऐसा कोई जानवर देखा जिसकी पांच टांगे थी, और मुझे नहीं पता आप लोगों में से कितने परसेंट लोग होंगे जिन्होंने देखा होगा, लेकिन जितना मुझे अंदाज़ा है तकरीबन ना के बराबर बंदे होंगे जिन्होंने देखा होगा ऐसा कोई पाँच टांगों वाला बछड़ा। इतना मासूम और इतना खूबसूरत, आप चेक करो इसका जिसम देखो आप, बड़ा प्यारा था, लेकिन अल्लाह की कुदरत माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह मियाँ की तख्लीकात हैं। बाकी अब आप ये देखें ज़रा, ये जो दो बड़े बड़े से चांद बेल थे ना, ये अब इनकी लड़ाइयाँ चेक करें आप, बड़ी प्यारी सी छोटी छोटी सी लड़ाइयाँ कर रहे थे और बड़ा मज़ा आ रहा था इनको देखने में। मैं बड़े अच्छे टाइम पर दोबारा भाग के दूसरी साइड पे आ गई थी ताकि मैं इसे थोड़ा सा ना शूट कर सकूं। अच्छा सा एक आ जाना चाहिए ना, वो देखिए बिल मुझे कैसे देख रहा था, जैसे निकल के आएगा और टक्कर लगाएगा। ये छोटी सी गाय के बिल्कुल आगे एक पंच फेस गाय थी, आप इसको चेक करो, इतना मासूम, बच्चे तो पागल हो गए थे इसे देख देख कर। और भाई इसे तो आपने वैसे भी हमारे थंबनेल पे देख लिया होगा। अब बाकी हम लोग आगे की तरफ आए तो आगे की तरफ अगेन ऊँट थे। इन ऊँटों में वाइट ऊँटों की जोड़ी थी जिनके साथ एक उनका छोटा सा बेबी भी था जो कि बहुत क्यूट था। ये जो बेबी ऊँट था ये मामा ऊँट के अपोजिट डायरेक्शन में बैठा हुआ था, और बस इन्हें देखते देखते हमने सोचा चलो अब यहाँ पे हो गई है ये एक गली वाली मंडी ख़त्म, जिसे हम JDC मंडी के नाम से जानते हैं। और बाकी फिर उसका मेन गेट आ गया था और हम लोग यहाँ से बाहर निकल गए थे। यहाँ पे क्राउड इतना था, इतना रश था कि मैंने सोचा गरिमा जानो और सिर्फ शूट ही कर लो, घर जाके सुकून से वॉइस ओवर करेंगे और एडिट कर लेंगे। वेट अ मिनट,